नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कुंभ लगन व कर्क राशि के लिए वक्री शनि का फल। शनि महाराज 30 जून 2024 को वक्री होने जा रहे हैं और वो 14 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। शनि के वक्री रहने का प्रभाव कुंभ लगन व कर्क राशि पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। सबसे पहले हम समझे कि कुंभ लगन व कर्क राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है, पहले भाव में 11 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका कुंभ लगन है। चंद्रमा छठे भाव में 4 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी कर्क राशि। यानी आपका कॉम्बिनेशन अगर कुंभ लगन व कर्क राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। कुंभ लगन में शनि महाराज लग्नेश बनते हैं और समय स्वराशि के गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में ही, और जैसे ही वक्री होंगे वो द्वादश की तरफ जाएंगे। कर्क राशि में शनि महाराज सप्तमेश और अष्टमेश बनते हैं और इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और जब वक्री होंगे तो सप्तम की तरफ जाएंगे। कुंभ लगन में आपका लग्नेश द्वादश में जा रहा है, जो संकेत दिखा रहा है कि कुंभ लगन व कर्क राशि को जो जातक विदेश जाने में इंटरेस्टेड है या विदेश से जुड़ा काम कर रहे हैं उनको शनि के वक्री रहने का लाभ मिलेगा, क्योंकि लग्नेश द्वादश की तरफ जा रहा है तो आपका स्थान परिवर्तन करवाएगा। और कर्क राशि के लिए क्योंकि शनि सप्तमेश और अष्टमेश बनते हैं और आपका अष्टमेश वक्री हो रहा है तो काम में कुछ बाधा का संकेत और कुछ भी घटनाएं घटेंगी वो अचानक घटेंगी। तो हम धीरे धीरे बात करते हैं कि हमें ओवरऑल क्या रिजल्ट मिलने वाला है। जैसा मैंने लिखा है कि कुंभ लगन से लग्नेश वक्री होकर द्वादश में जा रहा है, जो संकेत दे रहा है कि जो कुंभ लगन व कर्क राशि के जातक विदेश में कोशिश कर रहे हैं नौकरी का प्रयास करने की, उन्हें विदेश में सफलता मिल सकती है। आप अगर किसी कारण यहाँ पे नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे तो अगर आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो आपको फायदा होगा, आपको जॉब मिल जाएगी बनचाही, और साथ ही साथ वर्तमान नौकरी में आपके ट्रांसफर की भी संभावना बनती है। लग्नेश वक्री होकर द्वादश में जा रहा है इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कोई पुरानी बीमारी निकल कर आ सकती है। कर्क राशि से अष्टमेश वक्री हो रहा है, अष्टमेश के वक्री होने का अर्थ है कि जीवन में कुछ भी घटेगा वो अचानक घटेगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निर्भर करेगा आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं। कुंभ लगन व कर्क राशि के जातक जो अपने विवाह के इंतजार में थे उनका विवाह तय हो सकता है। कर्क राशि से सप्तमेश वक्री हो रहा है तो दाम्पत्य जीवन में तनाव, निर्णय सावधानी से लीजिएगा क्योंकि जब लग्नेश द्वादश में चला जाता है तो निर्णय हमारे कई बार गलत हो जाते हैं, हम जल्दबाजी से निर्णय लेते हैं। साथ ही क्रोध की मात्रा पर नियंत्रण रखिएगा, 12वां लग्नेश आपका क्रोध बढ़ाता है। अगर आपके कोई कोर्ट केस की डेट आती है 30 जून से लेकर 14 नवंबर 2024 के बीच में तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। और क्योंकि अष्टमेश वक्री हो रहा है, अगर आपके परिवार में इस समय कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला चल रहा है तो सावधानी रखिएगा, उसमें किसी प्रकार के नेगेटिव पक्ष आपके लिए हो सकता है। लग्नेश जब द्वादश में जाता है तो खर्चे की मात्रा बढ़ाता है, आपके खर्चे अधिक होते हैं तो खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। अष्टमेश वक्री होकर द्वादश को देख रहा है अगर आप, और कर्क राशि पर शनि की ढैया है और अष्टम के शनि की ढैया है, इसलिए अगर आप घर के बड़े पुत्र हैं तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक समय है। तो मेरा यह मानना है अगर आपका कुंभ लगन व कर्क राशि है तो ओवरऑल डिसीजन ये निकलता है कि एक तो आपका शनि के वक्री होने से आपके काम की गति कुछ धीमी होगी, कई बार बाधा का भी अनुभव होगा, साथ ही आपको अपना जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं वह ध्यान रखिएगा, कार्यस्थल पर किसी प्रकार के विवाद की भी संभावना है। तो मेरे हिसाब से कुंभ लगन व कर्क राशि के लिए वक्री शनि 30-35% तक बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।